नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एचपी 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ ब्लॉक के शासकीय हाईस्कूल खानपुरा में प्रतिदिन नवाचार और खेल खेल में शिक्षा दी जा रही है। साथ पर्यावरण को लेकर भी काफी प्रयास कर परिसर को पोषण वाटिका और गार्डन बना दिया गया। इधर शनिवार को CCLE के तहत माह के प्रति शनिवार आयोजित व्यक्तित्व तथा कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसके तहत विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत कर उनमें व्यक्तित्व विकास तथा कौशल को समाहित करना विषय को लेकर शनिवार को विद्यालय स्तरीय कार्यक्रम को आयोजन किया गया। इधर शनिवार को CCLE गतिविधि में रिज्यूम लेकर बच्चों का प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि CCLE आधारित बाल सभा हेतु प्रत्येक माह की आने वाली गतिविधियों हेतु थीम एवं गतिविधियां CCLE आधारित बाल सभा प्रत्येक शनिवार को प्रथम 3 कालखंड में संचालित की जा रही हैं। साथ ही इस दौरान शिक्षक भानु प्रकाश शर्मा द्वारा स्मार्ट बोर्ड से बच्चों को पढ़ाया जाता है और उसके बाद बच्चों द्वारा भी सवालों का जवाब दिया जाता है, जिसमें बच्चों को CCLE की गतिविधि से मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास हो रहा है। देखिए पूरी खबर मंडावर से हुकम प्रजापति की रिपोर्ट। सर, ये भारत जो अपने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, इसने कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए और 9वीं से ऊपर जितनी भी 11वीं 12वीं, अपने यहाँ 9वीं 10वीं दोनों कक्षाएं हैं। बाकी जहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल है वहाँ 9वीं से 12वीं तक की समस्त कक्षाओं के लिए जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए प्रति शनिवार फिक्स किया है। इसमें CCLE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन चलता है, जिसमें प्रति शनिवार गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि किस शनिवार को क्या कार्यक्रम हमें करवाना है। इसमें विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक और विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती है, जिसमें क्राफ्ट्स भी शामिल है, एजुकेशन भी शामिल है और सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी शामिल हैं, ताकि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को अन्य क्षेत्र में भी मजबूत कर सके और जब वो पढ़ लिख करके समाज में जाए तो एक अच्छा नागरिक बन सके। इसके लिए CCLE कार्यक्रम चलता है। तो CCLE के तहत आज का जो शनिवार था वो रिज्यूमे लेखन से संबंधित था। तो बच्चे जब पढ़ाई पूरी करके और किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कहीं जॉब के लिए अपना आवेदन देते हैं, तो वहाँ पर रिज्यूमे कैसे लिखा जाता है उसकी प्रैक्टिस आज हमने की है। अच्छा, रिज्यूम के विषय में समझाया जी। रिज्यूम के विषय में आज की गतिविधि थी आज के CCLE में। तो कहा यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं वो 9वीं और 10वीं दोनों क्लास के बच्चे हैं और इन्होंने अपने बारे में अच्छाइयाँ क्या है और इनकी कमियाँ क्या है और पूरा रिज्यूम इन्होंने अपने आप को पहचान करके लिखा है।